का 76वां योम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा कौमें हमेशा अपना योम आज़ादी इंतहाई जोश व जज्बे से मनाती हैं। इसी जज्बे को लेकर अमेरिका के शहर डैलस में बसने वाली पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने पाकिस्तान का जश्न आज़ादी पुरवकार तरीक़े से मनाया, जिसका एहतमाम पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास ने किया। आपने बिल्कुल सही कहा कि PSNT एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जब भी ये कायद मेला करती है या मार्च का जो हमारा पाकिस्तान डे का इवेंट होता है, पब्लिक ट्रस्ट करती है। डैलस की ऑडियंस का बहुत शुक्रिया जिन्होंने कायद मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज का प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। और एक अजीम शान तकरीब अमरीका की रियासत टेक्सास के शहर प्लानो में मुनक़्क़द की गई, जिसमें अपने वतन प्यारे वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले दयारे गैर में रहने वाले अमेरिकन पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात चलता TV के मुनीर अहमद की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है प्लेनो इवेंट सेंटर के अंदर, जहाँ पे पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास, पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम नॉर्थ टेक्सास के अंदर मिसबाह उल हक मौजूद है, जहाँ पे एक मैं अपनी तरफ से मैं मैसेज डैलस के रहने वालों का और पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ पे भी रहने वालों का मैं योम आज़ादी मुबारक हो। कायद मेला था और लोगों ने बड़ा इंजॉय किया है। यहाँ पे कोमल रिजवी ने और इसके अलावा शहरी रज़ा ने और एलिज़बेथ रॉय ने, फैसल अख्तर ने, इन लोगों ने सब ने जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है और लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया। लोग अभी तक यहाँ पे टिके हुए थे, लोग बैठे हुए थे और बहुत सारे स्टॉल्स थे। तो हम अपने स्पॉन्सर का, कम्युनिटी का, अपनी टीम का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने आके इसका मेले को बड़ा काम कह लें महफिल में चार चांद लगा दिए। शहरी रज़ा, कोमल रिजवी और एलिज़बेथ माशाल्लाह आपको पता तीनों बहुत ही नोन सिंगर्स हैं। माशाल्लाह बहुत हमने इन्जॉय किया। माशाल्लाह से बच्चों ने पाकिस्तानी मिली नगमों पे भी बहुत डांस किया। मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुनकर के 30 साल से PSNT जो है वो ये मेला सजा रहे हैं। जो ये मेला था इट वाज अ लॉट ऑफ फन एंड आई डू इनकरेज एवरीबडी जो डैलस में रहते हैं कि वो प्लीज़ आया करें ज़ोर शोर से। ऐसे मौके कम ही आते हैं साल में एक दो ही, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर आया करें और अपने आमद से जो है वो। तो पाकिस्तान डे के अंदर मेरा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिली नगमे गाए जाएँ। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका का कौमी तराना बजाया गया, जिस पर एहतरामन सब लोग खड़े हो गए। बच्चे लाइन अप हैं नेशनल एंथम में हमारे साथ। जबकि हसन सोमरू ने प्रोग्राम की मेजबानी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए, जबकि किरण हयात ने भी मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस मौका पर बात करते हुए पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के प्रेसिडेंट सलमान तबानी The day of independence when Pakistan emerged on the globe of war. पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के वाइस प्रेसिडेंट गालिब हुसैन, जबकि जनरल सेक्रेटरी आबिद बेग ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी नाजिया खान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। And what a beautiful event organized by Pakistan Society of North Texas and what a beautiful audience, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से आप सबको देखकर। इस मौका पर बच्चों ने भी एक शानदार परफॉर्मेंस पेश करके लोगों के दिल जीत लिए। खातीन ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स पर खरीदारी करती नजर आईं। लग रहा है इट्स वेरी नाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे। जबकि खाने पीने के स्टॉल्स भी लोगों से भरे हुए थे और लोग पाकिस्तानी खानों से लुत्फानंदोज होते रहे। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को स्टेज पर बुलाया गया और उनकी खिदमत के बारे में लोगों को आगाह किया गया। इससे पहले कि हम अवार्ड सेरेमनी शुरू करें, एक बार आप फिर जोरदार तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिए। The hard work and the efforts behind PSNT is the brains that are standing right here in front of you. इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाले लोगों में अवार्ड भी तकसीम किए गए। पाकिस्तानी क्रिकेट कोच और साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर मिसबाह उल हक पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाने के लिए अमरीका के शहर डेलस में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। लोगों ने उनके साथ तस्वीर बनवाईं और सेल्फीज लीं। इस मौके पर शहरी रज़ा, कोमल रिजवी और एलिज़ाबेथ रॉय ने अपने फ़न का मुजाहरा करके और पाकिस्तान का जश्न आज़ादी अमरीका में रहने वाले पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान के रंग में मनाया और लोग काफ़ी देर तक उनके साथ उनका साथ देते रहे। जबकि डेलस के उभरते हुए गुलूकार फैसल लख्तर ने भी लोगों के दिलों को गरमाए रखा। इस मौके पर औरतों, बच्चों और बड़ों ने पाकिस्तान के परचम थामे हुए झूमते हुए और पाकिस्तान से मोहब्बत से सरशार होकर कहा, हमारा वतन, प्यारा वतन पाकिस्तान, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। यहाँ पाकिस्तान का नाम होता है और किसी भी किस्म का इवेंट होता है पाकिस्तान का, तो एक दिली खुशी होती है और दिल के साथ, जज्बे के साथ वहाँ पे मौजूद होते हैं। बहुत अच्छा इवेंट किया है PSNT ने। इट वाज वेरी नाइसली ऑर्गेनाइज। सारे पूरी टीम ने, इवन जो स्टेज क्रू था, सब ने बहुत मेहनत की। बहुत अच्छा, सारे परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे। एंजॉय किया। शुरू का 2 घंटे जो मैंने होस्ट किया, सारी अवार्ड सेरेमनी थी, हफीज़ साहब को अवार्ड दिया गया, बाकी सब तमाम लोग। पाकिस्तान का जश्न आज़ादी रात देर गए तक जारी और सारी रहा और अमेरिका में दयारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानी इस जज्बे के साथ एक दूसरे से रुखसत हुए कि वो पुरुमीद हैं। एक दिन पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान भरपूर क़ुव्वत के साथ पाकिस्तान से मोहब्बत करते रहेंगे और अपने प्यारे वतन का जश्न आज़ादी इसी तरह शान व शौकत से मनाते रहेंगे। कैमरामैन मारिया के साथ मुनीर अहमद, चलता TV, डेलस, टेक्सास, अमरीका। एक तो मैं चलता TV का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें कवरेज दी। जैसे कि आप सबको पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्पेशली चलता TV ने शो किया हमेशा और पाकिस्तानी होने का हक अदा किया है, जिसके लिए हम शुक्रगुजार है, स्पेशली आपका मुनीर भाई।